सर सॉफ्टवेयर के नॉलेजेस ले रहे हैं थोड़ा बहुत द डिफरेंट सॉफ्टवेयर दैट वी यूज फॉर एडिटिंग एंड इसी के साथ साथ मूवी मेकिंग वगैरह का भी थोड़ा नॉलेज ले रहे हैं अभी सो बट एक्चुअली डोंट बी अ स्लेव ऑफ सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इज अ टूल टू अचीव योर जीनियस टू अचीव योर क्रिएटिविटी विच इज गिव See, a school cannot make you creative. School can give you that craft, that language of cinema, which you can, मैं भी इंग्लिश बोलता हूँ आप भी इंग्लिश बोलते हैं इनकी इंग्लिश जो है वो बिल्कुल क्वींस इंग्लिश है इतना अच्छा एक्सप्रेशन है वही सेंटेंस मैं बोलता हूँ तो बड़ा फर्क लगता है तो यही फर्क है कि हाउ टू यूज दैट लैंग्वेज हाउ टू यूज दैट ग्रामर हाउ टू यूज दैट नैरेटिव तो Basic thing is how you narrate cut to cut. How you narrate cut to cut. That's the only thing. You must know how to visually narrate a story. Munna bhai, MBBS, Lagera Munna bhai, PK, Three Idiots. Kis software pe bane? Bata sakte? Software is not something बहुत great चीज है राजू has been working on AVID film composer which is the first software film digital software which had come in the market आज तक उसी पे फिल्में काट रहा है there have been films which have been cut on Adobe Premiere so software तो आपकी क्रिएटिविटी को अचीव करने का एक तरीका है एक टूल है आपके पास उसको आप कैसे यूज करिए फिल्म मेकिंग उसमें तीन स्टेजेस हैं ये मालूम है क्या है प्री प्रोडक्शन में आप क्या करते हैं सबसे पहले तो आपके पास एक आइडिया होना चाहिए ओरिजिनल आइडिया किताब से ले लिया कहीं न्यूज़पेपर से ले लिया कोई भी लाइफ का इंसिडेंट है फिर आपने उस आइडिया को डेवलप करना शुरू किया राइट उस डेवलप करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं ट्रीटमेंट कि भाई मेरा फिल्म का एक्चुअली नैरेटिव क्या हैप्पी एंडिंग है ओपन एंडिंग है ट्रेजिक है और जब आपकी बेसिक आउटलाइन तैयार हो गई देन यू फर्दर डेवलप इट इन फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट राइट एंड जब आपकी स्क्रिप्ट तैयार हो गई देन गिव्स यू एन आइडिया ऑफ योर बजट कि आपका फिल्म कितना अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट करेगा इसमें कौन कौन एक्टर्स होंगे तो ये सब प्री प्रोडक्शन आप लोकेशन देख लेंगे कितने सेट्स होंगे तो एक होता है प्रोडक्शन ब्रेकडाउन याद ये इस टर्म याद है प्रोडक्शन ब्रेकडाउन आपकी स्क्रिप्ट जब बन गई तो आपको पता चल जाता है कि आपके कितने सीन्स क्लास रूम में हैं कितने सीन्स रोड पे हैं कितने सीन्स ड्राइंग रूम में हैं राइट कौन कौन एक्टर्स किस किस सीन में अब जैसे क्लास रूम में सीन नंबर 5 है सीन नंबर 21 है सीन नंबर 26 है सीन नंबर 28 राइट तो ये चार सीन क्लास सीन में है तो आपको मालूम है कि सीन नंबर 5 में कौन चाहिए सीन नंबर 21 में कौन चाहिए तो दैट गिव्स एन आइडिया कि कौन सा एक्टर आपको कितने दिन के लिए बुक करना है तो इसे हम प्रोडक्शन ब्रेकडाउन कहते हैं जिससे आपको तो आपको पूरी फिल्म का आइडिया हो जाता है कि मेरी फिल्म 100 शिफ्ट में कम्प्लीट होगी या 80 शिफ्ट में कम्प्लीट होगी और प्रोडक्शन ब्रेकडाउन के बाद आपका शॉर्ट ब्रेकडाउन होता है कि आप हर सीन को जैसे सीन नंबर 5 आप इंक्लूड कर रहे हैं तो उसको शॉर्ट नंबर 1 क्या होगा शॉर्ट नंबर 2 क्या होगा शॉर्ट नंबर इज फिल्म शॉट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नो व्हाई व्हाई बिकॉज़ We always see the requirement.
they always say ki which scene can be shoot first, many a times like the last scene can be seen shoot first. But why? It's depend upon the convenient sometimes. Convenience in what sense? Convenience like shooting time is convenient for all of them, shooting plan is convenient for all of them. Not exactly. See, film is a very expensive medium. बहुत महंगा है, एक एक सेकंड बहुत महंगा पड़ता है. और सबसे बड़ी चीज़ है लाइटिंग, राइट? तो लाइटिंग आपका शॉट नंबर वन वहाँ से है, तो आपने ये जोन लाइट रखी. शॉट नंबर टू यहाँ से है, आपने फिर ये जोन लाइट. शॉट नंबर थ्री फिर वहाँ से है. तो आप लाइट चेंज करते रहेंगे तो आप 8 घंटे में मुश्किल से 4 या 5 शॉट ले पाएंगे. तो आपने जब एक जोन लाइट अप कर लिया, फिनिश ऑल द शॉट्स, तो आप जब स्क्रिप्ट ब्रेक डाउन करते हैं ना, शॉट ब्रेक डाउन जब करते हैं, तो आपको पता चल जाता है शॉट नंबर 1, शॉट नंबर 6, शॉट नंबर 7, शॉट नंबर 8 किस की किस एंगल से हैं. तो इस तरीके से आप होमवर्क कर लेते. तो आपने एक जोन लाइट अप किया, यू फिनिश ऑल द शॉट्स, लॉन्ग शॉट, मीडियम शॉट, क्लोज शॉट, ट्रॉली, जो भी आप शॉट हैं, सब आप उस जोन के ख़त्म कर लेते हो, तो टिक कर देते. फिर आप कैमरा मैन भाई यहाँ से, तो फिर उसने ये जोन लाइट अप किया, इस जोन के सारे शॉट्स खत्म कर लिया. तो इस तरीके से आप 8 घंटे के शिफ्ट में 20-25 शॉट ले लेते. So that's the reason we don't shoot in chronological order. Now, film, जैसे language, तो इस language में letters हैं, alphabets हैं. Alphabets को जोड़ के क्या बन जाता है? वर्ड्स को जोड़ के सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस को जोड़ के पैराग्राफ, पैराग्राफ को जोड़ के चैप्टर, और चैप्टर्स को जोड़ के पूरी किताब. ऐसे तो फिल्म में भी कुछ इस तरीके का है, नॉट एग्जैक्ट पैरेलल, लेकिन यस, फिल्म आल्सो हैज अ ग्रामर. फिल्म आल्सो हैज अ ग्रामर. नाउ फिल्म जब स्टार्ट हुई तो ग्रामर से स्टार्ट हुई थी. हिस्ट्री का क्लास हुआ है? अभी नहीं हुआ. थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री का बैकग्राउंड देता हूँ. वैसे तो लियोनार्डो डा विंची एंड अरिस्टोटल ने पिन होल कैमरा बनाया था, एक बॉक्स में होल्ड करके, और बाहर का लैंडस्केप का फोटोग्राफ जो था दीवार पर. तो इंसान जब से पैदा हुआ स्टोन एज से, उसको कलर्स भी थे, उसके मूवमेंट भी थी, लेकिन उसके पास साधन कोई नहीं. स्टोन एज में साधन क्या था? स्टोन. तो स्टोन पे वो मूवमेंट कैसे डिपेक्ट करता था? अब जैसे आपने देखी पुरानी कुछ तस्वीरें स्टोन एज की, एनिमल्स वगैरह की, मल्टीपल हाथ बना दिए, दैट्स हाउ दे यूज्ड टू डिपिक्ट मूवमेंट. तो इंसान के अंदर आज तो थी कि मैं मूवमेंट डिपिक्ट करूँ, दूसरे के साथ शेयर करूँ. तो मीडियम उसके पास स्टोन था. तो हल्के हल्के उसकी डेवलपमेंट हुई, लैंग्वेज डेवलप हुई, दिमाग डेवलप हुआ. फिर उसने पत्तों से, धरती से रंग निकालने शुरू करे, केव्स में रहना शुरू किया, फिर केव पेंटिंग्स शुरू करी. पेंटिंग्स में कैसे उसने मूवमेंट दिखाई, आपने पेंटिंग्स तो देखी होंगी, पेंटिंग में मूवमेंट कैसे दिखाते हैं? फोटोज मतलब पूरा मोशन है, एज अ मोशन मतलब स्टेप बाय स्टेप फोटोज बना के. इन ए वे यस, लेकिन एक स्टिल पेंटिंग है तो इसमें ब्लर. अभी आप कार में बैठे जाते हैं तो आप लैंडस्केप जो है वो ब्लर की फॉर्म में देखते हैं, मूवमेंट इज डिपिक्टेड. तो ब्लर इधर इन फोरग्राउंड और मिडिल ग्राउंड और बैकग्राउंड, इस तरीके से वो मूवमेंट डिपिक्ट कर, लेकिन इट वॉज स्टिल इमेज. उसके बाद
men develop further, science develop, we or 1640 में एक एथेनियस क्रशर करके इटालियन थे, उन्होंने तब तक सोर्स ऑफ लाइट ऑप्टिक्स ये सब आ गया था 1640 में, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया था, तो साइंस ने काफ़ी तरक्की करी, तो उन्होंने ये मैजिक लैंटर्न बनाया। मैजिक लैंटर्न हैड अ सोर्स ऑफ लाइट, अ रिफ्लेक्टर एंड अ लेंस। तो जो पेंटिंग्स थी ग्लास के ऊपर करके वो ग्लास लाइट्स करके प्रोजेक्ट होती थी, प्रोजेक्शन शुरू होती थी। और उससे पहले 9th सेंचुरी में जावा में, इंडोनेशिया में, सिनेमा का जो मेन टूल है, स्क्रीन है, लाइट है, लेंस है, राइट। तो 9th सेंचुरी में शेडो प्लेस होके सनलाइट को यूज करके पर्दा लगाया और एक्टर्स ने पूरा परफॉर्म किया शेडो प्ले। तो स्क्रीन आ गया और स्क्रीन अब यहाँ भी आ गया, प्रोजेक्शन आ गई स्क्रीन। 1824 में एक जेंटलमैन थे पीटर मार्क रॉजर्ट, जिन्होंने एंसेंडेंट्स और सिनोनिम्स की किताब लिखी, रॉजर्ट थिसॉरस। तो रॉजर्ट साहब ने परसिस्टेंस ऑफ विजन की थ्योरी इवॉल्व करी एंड ही प्रेजेंटेड टू रॉयल सोसाइटी। परसिस्टेंस ऑफ विजन समझते हैं? नहीं। परसिस्टेंस ऑफ विजन इज कि जो ये मूवमेंट हमारी आंखों के आगे होती है, इट स्टेज ऑन द रेटिना ऑफ आवर आई फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड। मूवमेंट तो हो गई लेकिन वो मूवमेंट स्टिल फ्रेम की तरह यहाँ बैठ जाती है और फिर अगली मूवमेंट, तो हमारा ब्रेन जो है उसे परसीव करता है कॉन्टीन्यूस मोशन। तो ये थ्योरी उन्होंने पेश की। तो इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट देखते हैं कि ये सच है या नहीं, फिर उन्होंने इमेजेस बनाने शुरू करे, भाई घोड़ा दौड़ रहा है, पगली टांग यहाँ, इसलिए तस्वीर यूँ हमारी पेजेस को यूँ फिल्म किया तो मूवमेंट भी। तो कॉइन्स में फ्लिप करो तो मूवमेंट दिखती थी। तो कुछ कुछ लोगों को समझ में आया कि ये थ्योरी स्टैंड करती है। और 1888 में जॉर्ज ईस्टमैन, ये नाम लगता है कुछ फैमिलियर, ईस्टमैन कलर प्रोडक्शन, ईस्टमैन कलर फिल्मों में पढ़ा होगा आपने, फिल्में देखते हैं। ईस्टमैन कलर नाम की फिल्म तो बाद में बनी। तो जॉर्ज ईस्टमैन ने कंपनी बनाई कोडेक, और पहला कैमरा और पहली फिल्म उन्होंने बनाई। तो उस कैमरे में, जैसे ये कैमरा है, तो उसमें वो फिल्म आप लोड करते थे और एक तस्वीर लेते थे, फिर वाइंड करते थे, सेकंड फ्रेम आते थे, इस तरीके से 8 या 12 तस्वीरें आप ले सकते थे। तो उसके उन्होंने शुरू कर दिया सेलोराइड के ऊपर एक लाइट सेंस के भी मर्शन कोड करके। उससे पहले स्टिल फोटोग्राफी आ गई थी और वो ग्लास के ऊपर लाइट सेंस के इमर्शन कोट करके एक्सपोज करते थे। तो अभी हम पेपर भी आते जो आप आज भी यूज़ करते हैं डिजिटल, आज डिजिटल फॉर्मेट में भी पेपर प्रिंट लेते हैं, उससे पहले हम एक्सपोज करके पेपर हम बनाते थे। तो जो चीज़ में जब ये सेलोराइट फिल्म बनाई, इट इज वेरी सफल। तो उसी वक्त वहाँ पर अमेरिका में एक सज्जन थे जिनका नाम था थॉमस आल्वा एडिसन। क्या किया था उन्होंने, इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया और उन्होंने बहुत काम किए। उन्होंने चाबू वाला ग्रामोफोन बनाया, रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक मशीन, यू कुड रिकॉर्ड द सॉन्ग एंड यू कैन प्ले बैक द सॉन्ग। जो आज तक कभी कभी आप डिस्क देखते हैं, तो डिस्क जब तक नहीं बनी थी उन्होंने सिलेंडर्स के ऊपर से रिकॉर्डिंग करी थी, बाद में वो डिस्क बनने शुरू हो गए। तो इसमें साथ में ग्रामोफोन भी बना लिया था, बल्ब भी बना लिया। उन्होंने एक कैमरा बनाया
जिसका नाम है काइनेटोस्कोप रखा, काइनेटोस्कोप, तो KINETOSCOP। तो अब वो बड़े एम्बिशियस खड़े हो गए कैमरे के आगे, इस वक्त तो हैंड क्रैंक की कैमरा हो गई थी, तो अब बोलना शुरू कर दिया। अब वो ग्रैमोफोन पे साउंड रिकॉर्ड हो गया। अब जब प्रोजेक्ट किया, लिप मूवमेंट नहीं मैच किया, ग्रैमोफोन अपनी स्पीड पे चल रहा था, कैमरा अपनी स्पीड पे चल रहा था, तो उन्होंने छोड़ दिया, ये तो बकवास है। $150 अगर वो कॉपीराइट फी, पेटेंट फी दे देते, ही वुड हैव बीन द पायनियर ऑफ मोशन पिक्चर्स। पायनियर ऑफ मोशन पिक्चर किस कौन है? ल्यूमियर ब्रदर्स का नाम सुना? लुई ऑगस्ट ल्यूमियर फ्रांस में थे। तो 1889 में उन्होंने ये करा, छोड़ दिया। पहली बात तो फ्रांस में ये दो भाई थे ल्यूमियर ब्रदर, इन्होंने एक डिब्बा बनाया जिसमें एक्सपोज भी कर सकते थे फिल्म, प्रोसेस भी कर सकते थे, लैब भी थी और प्रोजेक्ट भी कर सकते थे। तो उन्होंने अपने मशीन का नाम रखा सिनेमेटोग्राफ। और उसी वक्त रॉबर्ट पॉल इंग्लैंड में थे, उन्होंने भी एक इसी तरीके से कैमरा डिज़ाइन कर लिया। एमिल एंड मैक्स स्ट्रेगोवस्की जर्मनी में थे, उन्होंने भी। तो ये 1895 में ल्यूमियर ब्रदर्स ने अपना सिनेमेटोग्राफ बनाया। उसके बाद ये पॉल और स्ट्रेगोवस्की ने भी अपने कैमरा बनाया, वहाँ से एक मोशन पिक्चर शुरू हुआ। सो अब उन्होंने दिखाना शुरू किया कैमरा रख के, एक जगह ट्रेन आ रही है, वर्कर्स आ रहे हैं, जो भी, जैसे अब नया कैमरा होता है तो आप शूट करते हो कुछ भी, वैसे ही उन्होंने भी, बट इवन एक्चुअलिटीज क्योंकि जो भी कैमरे के आगे हो रहा है बस वो रिकॉर्ड कर दिया। How did cinema survive? Cinema survived because of storytelling. In films में storytelling नहीं थी, in films में सिर्फ still photograph with motion था। उसी ज़माने में एक magician थे मिस्टर जॉर्ज मिलिए फ्रांस में, वो अपने जादू के खेल दिखाते थे। उन्होंने कहा ये तो चीज़ बहुत बढ़िया है जिसका नाम कैमरा है, इसको तो मैं अपने काम के लिए यूज़ करता हूँ। तो जॉन मिले ने क्या किया कि एक्चुअली कैमरा तो स्टोरी टेलिंग के लिए उन्होंने यूज़ करना शुरू किया था, लेकिन उससे उसके स्टोरी टेलिंग के टाइम पे उनका क्या हुआ, कैमरा अटक गया, फिल्म अटक गई। तो उन्होंने जब वो ठीक किया फिर बाकी की फिल्म एक्सपोज करी, जब प्रोजेक्ट करी तो एक इमेज दूसरे में कन्वर्ट हो गई, तो फिर जो पहली इमेज थी वो तो थी ठीक, होने के बाद दूसरी इमेज आ गई, तो बढ़िया चीज़ है। तो उन्होंने क्या किया, अपने स्टूडियो के अंदर एक लड़की को हाइट से कुदा दिया और कैमरा क्रैंक किया और कैमरा रोक दिया, फिर एक लड़के को कुदाया और कैमरा चला दिया। अब हाइट से जब वो कूदी जमीन पे पहुंची तो लड़का बन गया, स्पेशल इफेक्ट की क्रिएशन हो गई। उन्होंने कैमरे को रिवाइंड करना शुरू कर दिया तो डबल एक्सपोजर शुरू हो गया, एक के ऊपर एक लेयर आ गई सुप्रीम पोजिशन। उन्होंने शटर बंद करना शुरू कर दिया, फेड आउट हो गया, शटर खोलना शुरू कर दिया, फेडिंग हो गया। तो इस तरीके से उन्होंने ट्रिप टू मून और राइडिंग हुड और सिंड्रेला फिल्में बनाई, और 10-10 मिनट की फिल्में थी, और ये ल्यूमियर ब्रदर्स की एक एक मिनट की एक्चुअलिटीज थी। तो सिनेमा सर्वाइव बिकॉज ऑफ नैरेटिविटी। तो तब से आप आज भी फिल्म देखने जाते हैं तो यू एक्सपेक्ट कि यू आर गोइंग टू सी अ नैरेटिव, डजंट इट? तो एडिटिंग कहाँ से शुरू हुई? 1903 में एक
एडिसन के कैमरामैन थे एडविन पोर्ट, तो उन्होंने एडिसन के लिए बहुत सारी फिल्में या एक्चुअलिटी शूट कर रखी थी, तो उन्होंने क्या किया कि एक फायरमैन है, एक्टर अपना प्रोटेक्टिस्ट है, ड्रीम करता है कि एक जगह कहीं आग लग गई, फिर टक 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 वो बेल बजी, फायर डिपार्टमेंट वाले तैयार हुए, फायर डिपार्टमेंट वाले जब तैयार हुए खटाखट पे उनकी व्हीकल्स थी उस जगह पहुँची जहाँ आग बुझाई जा रही है, लेडर चढ़ाई गई और एक लेडी वहाँ से हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी, उस लेडी को बचाया जलते हुए बिल्डिंग में से, फिर वो कहने की मेरा बच्चा भी ऊपर है, फिर अपना प्रोटैगनिस्ट गया बच्चे को। तो अब हुआ क्या कि एक्चुअलिटी फुटेज जो फायर डिपार्टमेंट की एक्चुअल शूटिंग थी और अपनी जो ये रिहर्स्ड फुटेज थी एक्टर के साथ, ये उन्होंने ज्वाइन कर दिया। इस तरीके से एक नैरेटिव डिफरेंट फ्रॉम मिलियर्स बना, क्योंकि मिले बीच बीच में कैप्शन कार्ड डाल देते थे, सिंड्रेला इन किचन, सिंड्रेला इन पार्टी, इस तरीके से। तो यहाँ से सेमब्लेंस ऑफ एडिटिंग शुरू हुई। उसके बाद एक मिस्टर डी डब्ल्यू ग्रिफिथ थे, एक्टर बनने आए थे, लेकिन उन्हें एक्टिंग का चांस नहीं मिला, उनसे कोई स्क्रिप्ट लिखवाता था, कोई उनसे फिल्म बनवा लेता था। तो ग्रिफिथ ये देख रहे थे कि कैमरा एक ही जगह रखा रहता है, वहीं से सारा एक्शन शूट होता है, कैमरा मैं आगे क्यों नहीं ला सकता, कैमरा मैं पीछे क्यों नहीं ले जा सकता, कैमरा मैं ऊपर क्यों नहीं ले जा सकता, कैमरा मैं नीचे क्यों नहीं ले जा सकता। तो 1915 में उन्होंने एक फिल्म बनाई, बर्थ ऑफ ए नेशन, जो कि लैंडमार्क फिल्म है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा, क्योंकि बर्थ ऑफ ए नेशन लैंडमार्क इसलिए है कि जो आज हमारी जो पूरी फिल्म ग्रामर है जिसे हम कॉन्टिन्यूटी लिए सब कहते हैं, वो सब उस एक फिल्म के अंदर उन्होंने डिज़ाइन करी थी, और 2 घंटे की फिल्म थी ये, अभी तक जो फिल्में बनी हैं 10-10, 15-12 मिनट की बनाई थी। इट वॉज ऑन अमेरिकन सिविल वॉर जिसमें लिंकन को मार दिया जाता है, क्योंकि उसने ब्लैक्स को राइट्स दे दिए थे वाइट्स के बराबर, तो वाइट्स डिड नॉट लाइक इट, इट वॉज अ सिविल वॉर फिल्म बिटवीन ब्लैक्स एंड वाइट्स। तो फिर एक फिर ये हुआ कि उन्होंने पूरा ये कंटिन्यूस ये कंटिन्यूटी बनाई फ्रॉम शॉट टू शॉट, वॉर सीन्स बड़े अच्छे उन्होंने क्रिएट किए, कैमरे को ट्रक के ऊपर माउंट करके ट्रॉली शॉट्स लिए, लेफ्ट एंड राइट का क्लियर डिमार्केशन में कौन किससे रह रहा है, कोई कन्फ्यूजन ना हो, डायरेक्शनल कंटिन्यूटी ये सब कुछ बनाया। और फिर एक पिट खोदा गया, उस जमाने में क्या होता था कि फिल्म साइलेंट चलती थी, एक पियानो प्लेयर नीचे बैठा कुछ भी बजाता रहता था, लेकिन बर्थ ऑफ ए नेशन में पहली दफ़ा एक बड़ा गड्ढा खोदा गया जिसमें 70 म्यूजिशियंस बैठे और हर सीन के लिए म्यूजिक लिखा गया अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ द सीन, तो बैकग्राउंड म्यूजिक की कम सकता है, म्यूजिशियंस फिल्म भी देख रहे हैं और बजा रहे हैं, तो हर सीन के साथ वो म्यूजिक जो है मैच करता है। तो दैट्स द रीजन दिस कॉल्ड लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा, बिकॉज इट डिजाइन द कंप्लीट फिल्म ग्रामर जो आज तक हम फॉलो कर रहे हैं, फिल्म के जो क्रिएटिव एलिमेंट्स हैं, कॉन्टिन्यूटी, स्पेस, टाइम, रिज्म, ये सब उसी एक फिल्म के अंदर उन्होंने दिखाया लोगों को, और उसके बाद उन्होंने सीख लिया कि हाँ फिल्म ऐसे बने। तो ये आपको ब्रीफ मैंने बैकग्राउंड दिखाया, और अब मैं आपको ये ब्रीफ हिस्ट्री का एक छोटा सा दिखाता हूँ। अब हैंड क्रैंक की तो कोई स्टैंडर्ड स्पीड थी, जिस तरीके से हाथ चल गया चल गया। एक साइलेंट कॉम्पाइलेशन है, आप नेट के ऊपर देखिएगा, डेज ऑफ थ्रिल्स एंड लाफ्टर, उसमें सारे साइलेंट कॉमेडियंस का एक कॉम्पाइलेशन है, उसमें आप देखेंगे कि हैंड क्रैंक कैमरा भी है और प्रोजेक्टर जो है वो भी हैंड क्रैंक है, और प्रोजेक्शनिस्ट जो है
सुबह से शाम तक फिल्में चलवा के थक गए, तो एक फाइट सीन हो रहा था और उसका हाथ स्लो होने लगा, तो जो फाइट सीन था तो यूं हो रहा स्लो मोशन में, फिर एक आदमी ऊपर गया, उसने प्रोजेक्टर प्रोजेक्टनिस्ट को जगाया, फिर फास्ट चलाना शुरू किया एकदम ऐसे. तो दीज अर्ली इमेजेस आर हिस्टोरिकल इमेजेस एंड दे आर वंडरफुल. आई मीन जो उस वक्त काम किया आज भी हम उस चीज़ को कॉपी कर रहे हैं हर तरीके से, अपने क्रिएटिव तरीके से. सो इसलिए आपको ये इमेजेस जो हैं नेचुरल नेचुरल मूवमेंट, क्योंकि बिजली आई समवेयर इन 1900 में. मेरे सिस्टर के ग्रैंडफादर इन लॉ वो 1897 में फ्रांस में थे, वहाँ एक एग्जीबिशन हुई जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का डेमोंस्ट्रेशन हुआ, तो उन्होंने लेटर लिखा जब इंडिया अपने फैमिली को, कहने इट वॉज अ फन फॉर अस, स्विच नीचे को स्विच ऑन स्विच ऑफ स्विच, बिजली बल्ब जल रहा है बुझ रहा है, बल्ब जल रहा है बुझ रहा है. तो वो तो 1897 की बात है, बट इलेक्ट्रिसिटी एज सच सब 1909-1910 में आ गई थी, और बर्थ ऑफ ए नेशन जो थी दैट वॉज शॉर्ट एट 16 फ्रेम्स पर सेकेंड ऑन एन इलेक्ट्रिक कैमरा जिसकी कॉन्स्टेंट स्पीड. लेकिन आज हम जो देखते हैं 24 और 25 फ्रेम्स पर देखते हैं, तो बर्थ ऑफ ए नेशन भी आपको नेचुरल मूवमेंट में नहीं मिलेगा. अगर 16 फ्रेम्स पर देखेंगे तो नेचुरल मूवमेंट में देखेंगे, लेकिन 16 फ्रेम्स पर तो आज कोई प्रोजेक्टर नहीं चल रहा. तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं, कोई सवाल नहीं? सिनेमा विल हैव अ वेरी हैवी डेट फ्रॉम अदर आर्ट फॉर्म्स व्हिच आर ऑलरेडी देयर, बट द सिनेमा विल रियली हैव टू स्ट्रगल टू मेक अ प्लेस फॉर इटसेल्फ टू बी एक्सेप्टेड एज एन आर्ट फॉर्म, बिकॉज सिनेमा को बड़ा नीचा वाला समझा जाता था. आज भी कुछ फैमिलीज जो हैं शायद सिनेमा में अगर उनके बच्चे जाना चाहें तो यू विल डिस्करेज कि अच्छी अच्छी जगह नहीं है. तो सिनेमा एक्चुअली हैज बोरोड एवरीथिंग फ्रॉम अदर आर्ट फॉर्म्स बट मेड अ प्लेस फॉर इट्स ओन ऑफ इट्स ओन, एंड इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रादर यंगेस्ट आर्ट फॉर्म, 120 साल पुराना है. Okay, I'll show you one more film, then we'll have a break. पैसा लेके आइए तब हम छोड़ेंगे, वो पैसा लेके आता है, लेकिन दे सस्पेक्ट दिस गाय कि इसने कुछ गड़बड़ करी होगी, तो देखते हैं हमने अपना प्लान बदल दिया, तुम्हारे साथ तुम्हारा बच्चा भी चलेगा. सो देयर इज अ स्कफल इन बिटवीन छोटी सी, एंड देन द फिल्म एंड्स. सो एवरी सीन हैज अ बिगनिंग मिडल एंड एंड, आप कोई भी सीन लेंगे उसका बिगनिंग मिडल एंड एंड आप हर सीन आप जो स्टार्ट करते हैं तो इसी तरीके से करते हैं. तो ये भी एक छोटा सा सीन है, तो जब आप रश देखेंगे जल्दबाजी मत करिए, दो तीन दफ़ा आराम से देखेगा, देन डिसाइड योर एडिट पॉइंट एंड कट. ओके नाउ एनी क्वेश्चन, एनी डाउट अबाउट द अर्ली हिस्ट्री ऑफ सिनेमा सर? या सर, जैसे आपने बताया द ट्रेन का, लुमियस ब्रदर्स का, तो उसके पहले भी उन्होंने बहुत सारे रशेस निकाले थे, मतलब फुटेज निकाले थे कैमरे से स्टिल मोशन मोशन फुटेज, पर द ट्रेन को पहली फिल्म क्यों बोलते हैं? शायद उनकी क्रोनोलॉजी में जब उन्होंने दिखाया होगा शो,
तो शायद ट्रेन को पहली पहला नंबर दिया होगा, जैसे अभी इस वक्त तो ट्रेन तो जरा बीच में आई है ना, हमने जो ये क्लिप देखी है, इस क्लिप के बहुत वर्जन हैं, इस क्लिप के जूनियर ब्रदर्स की बहुत वर्जन है, तो किसी ने कैसे डाल दिया होगा, किसी ने कैसे डाल दिया होगा, तो शायद इस वजह से ट्रेन को पहली फिल्म कहते हैं। लेकिन अब इनकी हिस्ट्री के हिसाब से ट्रेन पहली फिल्म नहीं थी, तो और ये बर्नर्ड टेबर्नियर जिन्होंने कमेंट्री बोली थी, ये आज फ्रांस के बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, इज़ ए वेरी गुड फिल्म मेकर, जिन्होंने कमेंट्री बोली थी इस लूमियर ब्रदर्स की फिल्म की। तो और बैठिए आप, और उस वक्त हम सेलुलॉइड फिल्म पे शूट करते थे, नाइट्रेट बेस होती थी, तो बहुत सारा अर्ली सिनेमा जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। जिमेर का भी पूरा प्रोग्राम नहीं है, मिलेस का भी पूरा प्रोग्राम नहीं है, हमारे इंडिया में दादा साहेब फाल्के से पहले जो लोगों ने कुछ ट्रिप्स बनाए वो फिल्म अवेलेबल नहीं है। तो क्या होता था कि वो फिल्में दिखाई, पैसा बटोरा और स्क्रैप में गई या जल गई, वॉट एवर। हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा में एक जगह एक रेफरेंस है कि तीन आना मीन्स 12 पैसे पर किलो के हिसाब से स्क्रैप बेच दिया फिल्मों का दिखाने के बाद। तो ऐसे भी हुआ। अच्छा, आज आप दिल्ली से सब हैं या बाहर से भी हैं? सब दिल्ली से हैं, सब लोग बाहर से हैं। आपने चांदनी चौक देखा है दिल्ली? वहाँ लाजपत राय मार्केट देखा है? जो लाजपत राय मार्केट है उसके पहले इधर मोती सिनेमा है, मोती सिनेमा है, मैकडोनल्ड्स के बाद मोती सिनेमा है, अगर आप चांदनी चौक में गए। मोती सिनेमा कंपाउंड और ये लाजपत राय मार्केट, ये बहुत बड़ा फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक हब हुआ करता था। तो यहाँ सारी फिल्में गोडाउंस थे फिल्म, तो ये नाइट्रेट बेस्ड फिल्में वो उस ज़माने में होती थी। आज सेफ्टी बेस पे शूट करते हैं, जैसे हम आग लगाएं तो वो जलेगी नहीं, वो क्रम्पल हो जाती है। लेकिन उस वक्त जो थी ये नाइट्रेट बेस्ड फिल्म, तो ज़रा सा टेम्परेचर चेंज हुआ हट गई, तो वो सारा फिल्म मार्केट जो था Raised to the ground, because nitrate-based films. फिर उसके बाद वहाँ फिल्म गोडाउंस बने ही नहीं, फिर ये लाजपत राय मार्केट बन गया, रेफ्यूजीज आ गए थे पार्टीशन के बाद, उनको जगह दी, ये हुआ। तो उसमें भी काफ़ी हमारी 40s और 50s की फिल्में ख़त्म हो गई थी। कुछ फिल्में जो ख़त्म हो गई उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ फिल्में बची तो उनका रिकॉर्ड है। अब आवारा नाम की फिल्म थी, बहुत ग्रेट फिल्म राज कपूर साहब ने बनाई थी, तो आवारा का ओरिजिनल नेगेटिव जल गया था, लेकिन एक आवारा का बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रिंट ब्लैक एंड वाइट था किसी के पास, उससे फिर डुप्लीकेट नेगेटिव बनाया, और आज जो आवारा के प्रिंट्स मार्केट में DVDs में CDs में अवेलेबल हैं, तो सब उस डुप्लीकेट नेगेटिव से हैं। तो ये है थोड़ा हिस्ट्री का, ये भी एक हिस्सा है। तो ओके, सो सिनेमा अपने देश में ज़्यादा पीछे नहीं रहा। 1895 में फ्रांस में एग्जीबिशन हुई जूमेर की फिल्म की। 7 जुलाई 1896 में बॉम्बे में, एनीबडी फ्रॉम बॉम्बे? ओके, 7 जुलाई 1896 में बॉम्बे में आर्मी नेवी बिल्डिंग है, वहाँ इंस्टीट्यूट कॉलेज है उसके बराबर में, वहाँ पर एलिट ऑफ बॉम्बे 1 रुपया टिकट था उस जमाने में, 1 रुपये टिकट का मतलब 10,000 रुपये। वो ये लीवर के सारे क्लिप्स देखे थे। तो बॉम्बे के एक सावे दादा कहलाते हैं, पैटनियम सावे दादा था, हरिश्चंद्र भाटवा देकर, वो कैमरा डीलर थे, तो उन्होंने मोशन पिक्चर कैमरा
इम्पोर्ट किया था, तो उन्होंने रेसलर्स की मदारी लोग बंगाल का तमाशा दिखा रहे हैं, ये सब फुटेज शूट किया था, वो फुटेज नहीं है। फिर कलकत्ता में हीरा लाल सेन और एक उनके भाई थे, सेन ब्रदर्स कहलाते थे, उनकी भी फुटेज नहीं है। फिर एक जे एफ मजन थे पारसी, वो थिएटर चलाते थे, तो उनके जो थिएटर डेज होते थे उन्होंने वो फिल्म की, वो फुटेज नहीं है। दादा साहब फाल्के से पहले एक फिल्म बनी 1912 में पुंडलिक नाम की, पुंडलिक, लेकिन पुंडलिक नाम की जो फिल्म थी आर जी तोरने ने बनाई थी वो, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने फॉरेन कैमरामैन लिए और वो फिल्म रिलीज हुई एक इंग्लिश फिल्म के साथ, छोटी फिल्म बनती थी ना, आई टोल्ड यू 10-20 मिनट की बनती थी। तो आज भी तोरने ने क्लेम किया है कि माय ग्रेट ग्रैंडफादर शुड बी द पायनियर ऑफ इंडियन सिनेमा, व्हाई नॉट दादा साहेब फाल्के। तो उन्होंने कहा कि हिस्टोरियंस ने और सब ने कि व्हाई तोरने कैन नॉट बी कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन सिनेमा इज बिकॉज ही शॉट इट विद द फॉरेन टेक्नीशियंस एंड कपल ऑफ एक्टर्स आर फॉरेन ऑल्सो। हालांकि मराठी कहानी है वो, पुंडलिक के पंडरपुर के सेंट थे उनकी कहानी है। और 1913 में डॉक्टर दादा साहेब फाल्के ने फिर राजा हरिश्चंद्र, वो भी पूरी फिल्म अवेलेबल नहीं है, उसके भी क्लिप्स अवेलेबल हैं। तो अर्ली सिनेमा अपने देश में तो प्रोडक्शन की सेंस ही नहीं थी, यूरोप में अमेरिका में थी, तो पता देखिए आज रिस्टोर करके देखिए कितना अच्छा प्रिंट था। तो दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। ओके सर, सर स्टैंड के अंदर एक अपने क्लिप्स को जॉइंट कर सॉफ्टवेयर थ्रू एडिट करते थे हम लोग, फिजिकली फिल्म को कट करके और उसके इमोशंस को स्क्रेप करते थे। और जैसे ये शॉट है पहला शॉट, ये दूसरा शॉट है, तो हर फ्रेम के बीच में एक फ्रेम लाइन होती है ब्लैक, राइट, क्योंकि 24 फ्रेम्स पे चलता है कैमरा। तो जब शटर खुलता है तो एक्सपोज होता है, शटर बंद होता है तो नेक्स्ट फ्रेम आ जाता है। तो क्योंकि ब्लैंक फ्रेम लाइन है, दैट इज एन अनएक्सपोज रीजन, जब शटर बंद था तब वो ऊपर जाया गया शटर के आगे से। तो उस फ्रेम लाइन को हम स्क्रेप करते थे और एक के ऊपर एक यूज रख के, और एक केमिकल होता था फिल्म सीमेंट, वो लगाते थे, वो जुड़ जाता था। तो अगर हमें करेक्शन करनी होती थी, जैसे हमने जब फिल्म एडिटिंग सीखी तो ये सेलो टेप नहीं था, तब हम ये फिल्म ज्वाइन कर रहे थे, सर ने हमारे करेक्शन बताई, तो हमें फिल्म खोलनी पड़ती थी, अब वो इतना पक्का ज्वाइंट होता था फिल्म फट जाती थी, तो हमें वहाँ पे ब्लैंक डालना पड़ता था सिंक मेंटेन करने के लिए। अगर दो परफोरेशन फट गए तो हमें दो परफोरेशन का ब्लैंक डालना पड़ता ताकि साउंड सिंक में रहे। तो इस तरीके से फिर 80s में क्या हुआ कि ये सेलो टेप के स्प्लाइसर्स आ गए, तो फिर H2H यूँ ज्वाइन करके उसके ऊपर सेलो टेप लगा, तो उसमें जब हम करेक्शन करते थे तो टेप को यूँ पील ऑफ किया तो फिल्म फटती नहीं। तो इस तरीके से और फिर 80s में वीडियो आ गया, तो वो होता था लीनियर। फिल्म हैड ऑलवेज बीन नॉन लीनियर, फिल्म तो राइट फ्रॉम 1931 हैड बीन नॉन लीनियर, लेकिन वीडियो वॉज ऑलवेज लीनियर। वीडियो को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी नॉन लीनियर बनने में, क्योंकि लीनियर में क्या होता था कि आप अभी तो आप जैसे शुरू में बताया कि सब सीन नंबर 5 से हमने शुरू किया था, हमने वो एडिट कर लिया, फिर बाद में कुछ और ज्वाइन कर लिया, सीन नंबर शॉट नंबर 28 से शुरू कर दिया, पहले 27 शॉट हमने सीन के छोड़ दिए थे, इनको बाद में एडिट करेंगे। उसमें ऐसा नहीं कर सकते, उसमें सीन शॉट नंबर 1 के बाद शॉट नंबर 2 बाद में ही पड़ता, शॉट नंबर 2 के बाद शॉट, और अगर आप करेक्शन करते थे तो देयर वाज अ क्वालिटी लॉस, जनरेशन लॉस, वो स्क्रीन पर दिखाई देता था। तो लीनियर वालों को, वीडियो वालों को बड़ी प्रॉब्लम थी कि यार हम सिनेमा के जैसा क्यों नहीं कर सकते। तो ये लो बैंड कहलाता था, लो बैंड एडिटिंग सिस्टम। फिर हाई बैंड आ गया जिसमें क्वालिटी लॉस कम होता था लेकिन दिखता था, वो भी शॉट 1 के बाद शॉट 2 ही एडिट करना पड़ता था।
90s में बीटा आ गई विच वॉज स्टिल बेटर फॉर्मेट लेकिन बीटा भी लीनियर था. 2001-2002 में डिजिटल आ गया, एविड आ गया. ये नॉन लीनियर, इसमें आप कहीं से भी कहीं शुरू कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप रैंडम एक्सेस है, साउंड भी कहीं से ले लीजिए, पिक्चर भी कहीं से लीजिए, कहीं भी लगा दीजिए, जो हम फिल्म में करते थे. और डिजिटल का सबसे बड़ा एडवांटेज जो हुआ वो ये हुआ कि बड़ी जल्दी हो जाता. उसमें हमें क्या करना पड़ता था, बिन में जाके हमें ढूंढना पड़ता है क्लिप को. हालांकि हम लिखते थे हर शॉट को, बिगनिंग वाले लिखते थे कि ये शॉट नंबर 5 take 7 का बिगनिंग है, ये शॉट नंबर 5 take 7 का एंड है, लेकिन फिर भी टाइम लगता था. और फिल्म इज नॉट ए मीडियम ऑफ इमीडिएटली, आराम से बनाइए आप 2 साल बाद फिल्म निकलिए. टेलीविजन वॉज ए मीडियम ऑफ इमीडिएटली, लेकिन टेलीविजन में टेप बहुत लेट आया. टेलीविजन का भी मीडियम 16mm फिल्म था. मैंने थोड़े दिन दूरदर्शन में काम किया है late 70s, तो हम 16mm पर काम करते थे. तो फिल्म प्रोसेस होगी, फिर एडिट होगी. अब प्राइम मिनिस्टर की कवरेज 7 बजे कोई उनका फंक्शन है, वो तो 8 बजे की न्यूज़ में दिखा रहे हैं, क्या करोगे, कौन से मन. तो जल्दी से उसे फिल्म को प्रोसेस करके, कभी कभी हम गीली फिल्म प्रोजेक्ट करते थे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की कवरेज है, तो इट हैज़ टू गो ऑन द एयर, नंबर वन न्यूज़ आइटम है. तो इस तरीके से दूरदर्शन में हम लोग काम करते थे. आई वर्क फॉर अ लिटिल व्हाइल इन दूरदर्शन. बेसिक मेरा काम सिनेमा में रहा काफ़ी, तो लेकिन फिर दूरदर्शन में ये 80s में आके ये लो बैंड आ गया था, तो फिर लो बैंड पे काम शुरू हुआ, फिर हाई बैंड. आज तो सब कुछ डिजिटल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन अभी भी प्राइमरी शूट जो है वो फिल्म पे ही होता है क्योंकि फिल्म की रिजोल्यूशन 10K है और इसकी मैक्सिमम 4K जाती है. तो लेकिन आज नोबडी माइंड्स 4K और 2K बिकॉज देखने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये 10K है या 4K है, उससे तो अच्छे इमेजेस दिखने चाहिए. लेकिन कैमरा मैन से पूछो तो यार जो मैंने शूट किया था वो मिस हो रहा है, वो कलर बराबर नहीं आ रहा और टोन बराबर नहीं आ रही. बट नाउ कैमरा मैन हैज नो चॉइस, ही हैज टू आई मीन डिजिटाइज द फिल्म एंड सारा पोस्ट प्रोडक्शन डिजिटल फॉर्मेट पे ही होगा, डिजिटल फॉर्मेट पे प्रोडक्शन होगा. ओके नाउ लेट्स कम टू द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ फिल्म मेकिंग. अब इन्होंने मिस्टर डी डब्ल्यू ग्रिफिथ ने 1915 में बर्थ ऑफ ए नेशन फिल्म बनाई, जिसमें उन्होंने क्रोनोलॉजी तैयार करी फिल्म की और एक पूरा नैरेटिव तैयार किया. लेकिन जैसा मैंने कहा कि फिल्म क्रोनोलॉजी में तो शूट नहीं होती, तो कॉन्टिन्यूटी कैसे बनाई जाए. एनी आइडिया, आपने शॉट नंबर 5 शूट किया राइट, शॉट नंबर 5 में आपके एक्टर ने एक्टिंग करा है ओके, और आपने शॉट ले लिया. और शॉट नंबर 4 का जो बिगनिंग है वो है कि वो यहाँ से चल के आ रहा है और यहाँ खड़ा हो रहा है, तो शॉट नंबर 4 का जो एंड है वो शॉट नंबर 5 के बिगनिंग से मैच करना चाहिए. ये कॉन्टिन्यूटी मिलनी चाहिए, तो शॉट नंबर 4 से शॉट नंबर 5 पे आप कट कर सकते हैं. जो शॉट नंबर 5 का एंड है वो शॉट नंबर 6 का बिगनिंग होना चाहिए राइट. तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूटी बनती है. कॉन्टिन्यूटी इज द फंडामेंटल ऑफ एनी फिल्म नैरेटिव. आप दोनों आइए, ये आपका नाम संजय. संजय मुकुल. संजय और मुकुल आपस में बात कर रहे हैं. नाउ वेयर इज संजय अकॉर्डिंग टू यू, लेफ्ट और राइट? लेफ्ट. आपके हिसाब से संजय लेफ्ट, आपके हिसाब से लेफ्ट राइट. तो जो कैमरा है
it creates an imaginary line. It creates an imaginary line between viewer and the actors. वो व्यूअर को इंट्रोड्यूस कर देता है कि संजय इज ऑन द लेफ्ट एंड मुकुल इज ऑन द राइट. तो जब आप संजय का क्लोज शॉट लेंगे तो किधर देखेंगे मुकुल को देखने के लिए? यू लुक एट हिज लेफ्ट साइड. ही विल बी लुकिंग एट हिज. ही विल नहीं. अकॉर्डिंग टू हिज लुकिंग एट लेफ्ट ऑफ कैमरा और राइट ऑफ कैमरा. राइट ऑफ वी ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ लेफ्ट ऑफ कैमरा और राइट ऑफ कैमरा और राइट ऑफ फ्रेम और लेफ्ट ऑफ फ्रेम. बात एक ही. Similarly, when we'll take Mukul's close shot, he'll be looking to the left. Although Sanjay is out of frame. So that's how you as a viewer are able to connect. Okay? Ye dono ek dusre se baat kar. Right? Ab baat karte karte Sanjay jo the wo thoda sa yahan aa gaya. Thoda sa aage aa gaya. But ab Sanjay kidhar hai? अब संजय राइट में, राइट, और मुकुल लेफ्ट में होंगे. मुकुल लेफ्ट में, संजय राइट में, राइट. नाउ द एंड ऑफ द एक्शन शॉट विल डिसाइड द लाइन ऑफ एक्शन फॉर द नेक्स्ट शॉट. अब अगर आप संजय का शॉट लेंगे, ही विल बी नॉट लुकिंग टू द राइट, ही विल बी लुकिंग टू द लेफ्ट, एंड मुकुल विल बी लुकिंग टू द राइट. सो these are the simple basic rules of continuity. You maintain the line of action shot to shot. Aur frame mein jo kuch bhi dikh raha hai, props hain, looks hain, wo sab action hai, wo sab image pe image match karna chahiye. Ye nahi hai ki ye jo screen tha ye idhar aa gaya. Ye agar left mein hai to it will remain on left, right? So props, actors, looks, everything has to be, that continuity has to be maintained shot to shot. Right? Yes, sir. Yahan rakhenge ya yahan rakhenge to kya hoga? Angle change. Angle size change aayega, lekin kitna change aayega? Bahut kam hai. Exactly. So that means you are not telling anything new to the viewer by keeping the camera here or here. Yes, sir. So always change the angle by more than 30 degrees. Camera yahan le jaiye. Now this is a very appreciable change. Ya camera wahan le jaiye. Ya camera wahan le jaiye. But not here or not here. So this is what 30 degrees rule is all about in continuity. Okay? Similarly, when changing the image size, it should be appreciable. अभी वहाँ से आप मेरा medium long shot ले रहे हैं, तो यहाँ आते मेरा medium close shot ले रहे हैं. एंगल वही रहा लेकिन इमेज साइज चेंज हो गई. और इधर ले आए और कैमरा पास में ले आए तो मीडियम लॉन्ग से मीडियम क्लोज में एंगल भी चेंज हो गया, इमेज साइज भी चेंज हो गया. इसमें दोनों चीज़ें चेंज हुई. तो आप कैसे करो, बिकॉज फिल्म इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव. बिल्कुल आप उसी स्क्रिप्ट को अलग तरीके से रीड करेंगे, ये अलग तरीके से, ये अलग तरीके से. Because each one has a own creative idea about the narrative. Yes, now don't be angle crazy. Avoid excessive use of one angle. उसमें क्या होता है कि viewer की attention angle के ऊपर जाती है, content पे नहीं जाती, story पे नहीं. Yes, sir. So make simple shoot and content of strong go, so you will be able to hold the interest of the viewers. अभी बड़े-बड़े डायरेक्टरों की फिल्में देखी होंगी, जिनमें अभी उनकी शूट बड़ी सिंपल होती है. सत्यजीत रे है, राज कपूर है, इवन टुडे राजकुमार हिरानी है. उनका शूट बड़ा सिंपल होता है. A good angle calls attention to the action and not to itself. पहले वाले में your attention goes to the angle. So you always maintain directional continuity. That means अगर आपके first shot में एक character left to right move कर रहा है, next shot में should also be moving left to right. अगर आपने next shot cut किया वो यूं आ रहा है, it will be a jump. कि यार ये left to right जा रहे थे, वापस कैसे आ? So you will have to show कि इसने change कहाँ किया अपना. या तो कैमरे से चेंज करा, कैमरा इधर आ गया तो
ये कट बन जाएगा, या आप शॉर्ट पिच में डाल दीजिए कि उसने अपना मूवमेंट कोर्स ऑफ मूवमेंट चेंज किया, कट टू कट नहीं हो सकता. So you must show where he or she has seen the course of movement. So on your script, जब आप short division कर रहे हैं, then your editorial judgments कि मैं ये short यहाँ cut करूँ या short यहाँ से join करूँ, पूरा editing pattern आपके दिमाग में. Now whether you are using master scene technique or triple take. Now master scene technique बता सकते हैं क्या होती है? मास्टर सीन्स टेक्निक जो है ये पुरानी टेक्निक थी जिसमें सारा शॉट जो है अलग अलग एंगल से शूट कर लेते हैं. क्लोज में भी शूट कर लिया, लॉन्ग में भी शूट कर लिया, इधर से भी शूट कर लिया, इधर से. एज लेट एज 1982 रिचर्ड एटनबरो पुणे में जब शूट कर रहे थे तो आई वॉज इन्वॉल्व इन दैट शूट. तो मैं रिचर्ड एटनबरो को देख रहा था, ये मास्टर सीन शूट करता था, इधर से भी पूरा एक्शन ले लिया, इधर से भी ले लिया, उधर से भी ले लिया. और फिर एडिटिंग में उसे सब एडिटोरियल पॉइंट्स बहुत मिलते थे, इस कैमरे से भी कट कर सकता, उस कैमरे से भी, उसका यही चीज़ टेलीविजन ने कॉपी करी मल्टी कैमरा. तो 40s और 50s की फिल्में जो थी हमारे देश में और हॉलीवुड में मास्टर सीन से शूट की जाती थी. लेकिन उसके बाद मास्टर सीन में डिसएडवांटेज ये था, एक तो जो फिल्म कंज्यूम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा होती है. अगर आपका शॉट 20 फीट का है और आप 5 डिफरेंट एंगल से सेम शॉट को शूट कर रहे हैं तो आपने तो 100 फीट फिल्म एक ही शॉट के ऊपर लगा दी, राइट? तो फिल्म वेस्टेज काफ़ी होती थी. लेकिन एडिटोरियल पॉइंट्स आपको 5 अलग अलग मिल जाते थे, तो कौन सा बेटर कट है, ये है या ये है या ये है, राइट? तो और ट्रिपल टेक जो है वो आज की टेक्निक है कि आपने शॉट नंबर 5 शूट किया तो शॉट नंबर 5 का एंड एक्शन आपने नोट कर लिया, शॉट नंबर 5 का बिगनिंग एक्शन नोट कर लिया. तो जब शॉट नंबर 4 लेने गए 3 साल बाद भी आप शॉट नंबर 4 शूट करेंगे तो आप जाके एक्टर को बताएंगे कि सर इसका एंड एक्शन ये था, तो इस तरीके से आप शूट एंड इस तरीके से करेंगे और शॉट नंबर 6 इस तरीके से, तो इस तरीके से मेंटेन करते हैं. एनी क्वेश्चन, एनी डाउट सो फार? क्लियर है? यस सर. सो मोशन सीन इज अ कंटीन्यूअस टेक ऑफ एंटायर एक्शन. व्हेन फिल्म विद मल्टी कैमरास इंटर कटिंग थ्रू द शॉट्स आर फिल्म साइमल्टेनियस, क्योंकि इधर का कैमरा जो है क्लोज शूट करता है, उधर का कैमरा जो है लॉन्ग शॉट शूट करता है, इधर का मीडियम लॉन्ग शूट करता है. सो इफ फिल्म विद सिंगल कैमरा द कंप्लीट एक्शन इज रिपीटेड इन ईच शॉट टू गेट इंटर कट्स और क्लोज शॉट्स हम अलग से शूट कर देते हैं. सर मास्टर सीन वगैरह आई मीन मोस्टली टेलीविजन में यूज होता है. हाँ, टेलीविजन क्योंकि इनसाइड द स्टूडियो होता है तो 3-4 कैमरास लगा लेते हैं, वो लाइन ऑफ एक्शन को मेंटेन करके और उससे शूट करके रखते हैं. तो ऑनलाइन शूट हो जाता है, क्लोज शॉट लॉन्ग शॉट ऑनलाइन एडिट हो जाता है. तो लेकिन टेलीविजन इसमें फिर लाइटिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है क्योंकि आप टेलीविजन में सारी लाइटिंग ऊपर से होती है, की लाइट्स भी ऊपर से हैं, फिल लाइट्स भी ऊपर से हैं. तो क्योंकि आपका कैमरा कॉन्स्टेंटली फ्लोर के ऊपर मूव कर रहा है तो इसलिए आप ग्राउंड लेवल से लाइटिंग नहीं कर सकते. और फिल्म में क्या है, एक शॉट लिया आपने, लाइटिंग एडजस्ट करी, दूसरा शॉट ले लिया. तो लाइटिंग इज अ कॉम्प्रोमाइज इन मास्टर सीन. सो एडवांटेज इज दैट एडिटर गेट्स बोथ डायलॉग एंड पिक्चर इन ऑल द एंगल्स, सो ही हैज अ राइट चॉइस इन कटिंग द सीन. एंड ईच एंगल इज रीलाइटेड फॉर द बेस्ट एडिटिंग रिजल्ट. तो जब मास्टर सीन से हम शूट करते थे तो जैसे वहाँ से पहला शॉट है और इधर से दूसरा शॉट है तो हम थोड़ा सा की और फिल को एडजस्ट कर लेते थे तो उस शॉट की लाइटिंग और इस शॉट की लाइटिंग में फ़र्क नहीं था. लेकिन टेलीविज़न में आप देखेंगे जब एक कैमरे से दूसरे कैमरे में शूट कट करते हैं थोड़ा सा लाइटिंग में फ़र्क आता है, क्योंकि फॉर सम कैमरा एंगल द लाइटिंग इज़ परफेक्ट, फॉर सम कैमरा एंगल इज़ नॉट.
केबीसी वगैरह में एक लाइटिंग जो है अमिताभ के ऊपर और एक पार्टिसिपेंट में, लेकिन जो कॉन्टेस्टेंट हैं जो व्यूअर हैं उनमें आप देखिएगा कि किसी के ऊपर लाइट है किसी के ऊपर लाइट नहीं है। अब इसमें क्या होता था कि एक्टर्स को बार बार वही चीज रिपीट करनी पड़ती थी हर शॉट के लिए, तो स्केल हो जाती थी और उन्हें अपनी जगह पर करेक्ट आना पड़ता था, टाइमिंग पे करेक्ट प्रॉप्स भी जगह पर हों, तो रिपीटिंग या परफॉर्मेंस और मैचिंग क्लोज शॉट तो स्टिल हो जाते थे। लुक्स मस्ट बी प्रॉपर, प्रॉप्स मस्ट बी कैप्ट इन प्लेस इन द सेम मैनर इन द लॉन्ग शॉट, और शूटिंग रेशियो बहुत हाई हो जाता था, आप 8 घंटे में मुश्किल से 3 या 4 शॉट ले पाते थे। लेकिन बजट अगर आपका अलाउ करता है तभी शूट करते हैं मल्टी कैमरा से, लेकिन मल्टी कैमरा से आज भी शूट करते हैं लेकिन लाइटिंग इस तरीके से करते हैं फिल्म में तो वो जंप नहीं आता, जंप नहीं आता। मैं आपको ट्रिक्स भी दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि लाइटिंग में जंप नहीं है, कट फ्रॉम वन शॉट टू द अदर। ट्रिपल टेक इज दैट आज जो हम यूज कर रहे हैं, ये टेक्निक है कि डायरेक्टर थिंग्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ 3 शॉट, शॉट नंबर 5, 4 एंड 6। शॉट नंबर 4 का बिगनिंग क्या है, 5, 4 का एंड क्या है, 5 का बिगनिंग क्या है, शॉट ट्रिपल टेक इसलिए कहते हैं कि 3 शॉट की कॉन्टिन्यूटी आपको याद रखनी है। अभी आप ये जो आज आप एक्सरसाइज करेंगे जो मैंने आपको रश दिया है इसमें आप देखेंगे कि एंड का थोड़ा सा डायलॉग और एक्शन जो है वो रिपीट होता है, तो आपको स्मूथ कॉन्टिन्यूटी, लेकिन हाँ कटिंग पॉइंट आपके अलग अलग होंगे। Director has to remember the end and the beginning of action and dialogue for overlapping of action and smooth cut. Pura action repeat nahi milega aapko ye jo aaj aap rush 36 ghante ki purani film hai 80s ki uska hai. In the final analysis, the triple take technique allows more leeway during filming, but the after scene technique provides greater editing freedom and choices because aapke paas multiple choices and editing. Isme aapke paas itna portion ओवरलैप किया है तो अब इसी के अंदर आपको बेस्ट कटिंग पॉइंट ढूंढना है। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? ओके, दिस इज आवर फ्लोर प्लान। ये बहुत जरूरी है आपको बनाना, जब भी आप अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं आपकी पूरी फिल्म तो आपके जहन में है राइट, लेकिन पेपर पे उसको आपको बड़े करेक्टली डिजाइन करना पड़ता है ताकि आप जब शूट करें तो आपके कैमरामैन को, आपको और आपके एडिटर को कोई प्रॉब्लम ना हो राइट। तो अब देखिए ये शॉट नंबर 1 था, ये लेथ मशीन्स हैं और क्या था ट्रेन अप, 2 ऑप्शन थे फास्ट और एक स्लो राइट, और ये रंचो चतुर फरहान इन सब की पोजीशंस हैं और ये सारे 2, 4, 7, 7A, 7B, 9, 11 जो हैं ये क्लास के और इनके कैरेक्टर्स के शॉट्स हैं, और इधर से जो शॉट्स हैं ये टीचर के हैं, फिर इधर जो है जब आमिर खान को बाहर कर दिया जाता है तो इधर से शॉट है, उधर से टीचर के शॉट है। तो ये आपका जो फ्लोर प्लान है ये बहुत ज़रूरी है, हर आप जो जब स्क्रिप्ट को ब्रेक डाउन करते हैं शॉट्स में आप पूरा करेक्ट बना के रखिए ताकि आपके कॉन्टिन्यूटी जंप ना हो, कैमरा पोजीशन बहुत करेक्ट हो और मेंटेनिंग द रूल्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन द सेंस कि जब एक शॉट लिया है तो 30 डिग्री से ज़्यादा उसका चेंज ऑफ कैमरा एंगल होना चाहिए या इमेज साइज चेंज होना चाहिए, तो वो सब चीज़ें तो वो आपने वहाँ लिखा हुआ है लॉन्ग शॉट क्लोज शॉट मीडियम शॉट वॉट एवर राइट, और उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो इस तरीके से आप अपने स्क्रिप्ट पे कर लेते हैं काम। ओके, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स अभी तक जो हम बात कर रहे थे? सर स्क्रिप्ट में कैमरा एंगल्स शॉट में ड्राफ्ट में ये स्क्रिप्ट के साथ ही आप बना लेते हैं
अगर आप विजुअलाइजर हो तो आप स्टोरी बोर्ड बनाओ। और हमने जो काम किया है, जब हमने काम किया है, ना स्टोरी बोर्ड था हमारे पास, ना फ्लो प्लान था, हम अपने इमेजिनेशन से, अपनी मेमोरी से सारे शॉट्स लेते थे। कंटिन्यूटी भी अपनी मेमोरी से ही मेंटेन करते थे। तो आज वीडियो एक्सिस्ट है, आप इमीडिएटली शॉर्ट प्लेबैक करके देख सकते हो, फिर भी इतनी गलतियाँ होती हैं, वीडियो एक्सिस्ट होते भी इतनी गलतियाँ होती हैं। तो मैं आपको अपनी पहली फिल्म का एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करी तो हमारे टीचर प्रोफेसर आर के रामचंद्रन, ही वॉज द मिडिल ब्रदर ऑफ आर के लक्ष्मण एंड आर के नारायण। नाम सुने? यस सर। आर के लक्ष्मण कौन थे? कार्टूनिस्ट। और आर के नारायण? आर के नारायण वॉज ए नॉवलिस्ट, गाइड, मलबरी डेज, ये सब उन्होंने कहानियां लिखी। तो उन्होंने कहा कि जब इंडस्ट्री में जाओ तो ट्राई टू एम टू बिकम अ डायरेक्टर, तो उसके लिए ट्राई टू गेट इन टू द डायरेक्शन डिपार्टमेंट। तो लकीली मुझे जहाँ जहाँ काम मिला एज एन एडिटर, तो आई वॉज द चीफ असिस्टेंट टू द डायरेक्टर। तो मुझे लिए बहुत आसान हो गया कि मैं स्क्रिप्ट पे भी काम कर रहा हूँ डायरेक्टर के साथ, और कट तो मुझे खुद ही करना है। लेकिन जैसा मैंने हमें कहा कि हम मेमोरी से काम करते थे, तो मेरी पहली फिल्म थी और हीरो हीरोइन के बीच में प्ले एक्टिंग चल रही है, कैमरा वहाँ पर है, हीरोइन यहाँ है, हीरो यहाँ है, और वो हीरो के पैर पे अपने राइट फुट से मारती है और निकल जाती है। फिर डायरेक्टर कैमरा आगे ले आते हैं मीडियम शॉट में, पैर सिर्फ लेग्स को कंपोज करके और रिपीट करना है। तो पूछा मुझे से, हम लोग शिमला में शूट कर रहे थे, आउटडोर में हजार आदमी शूटिंग देख रहा, कि भाई क्या थी कॉन्टिन्यूटी। तो मैंने कहा कि मेरे डायरेक्टर राइट फुट से मारा था, मैंने मेरे ख्याल से क्या, वाई कांट यू बी श्योर। और जो हीरोइन थी, कुछ उस जमाने की हीरोइन थी, नंदा, वहीदा रहमान, हेलन, मीना कुमारी, दे वर एक्सीलेंट। चार साल बाद भी पिक्चर हम स्टार्ट बंद हो जाती थी और स्टार्ट करते थे, उन्हें कॉन्टीन्यूटी याद रहती थी कि जबकि वो एक फिल्म नहीं कर रहे हैं, चार से पाँच पाँच फिल्में कर रहे हैं, लेकिन हर फिल्म की उन्हें कॉन्टीन्यूटी याद रहती थी कि हमने यहाँ ऐसे किया था। तो हीरोइन ने कहा मैंने लेफ्ट फुट से मारा था, ठीक है, और हीरो राइट फुट पे मारा। सो एज एन एडिटर आई सजेस्टेड टू द डायरेक्टर कि एक शॉट राइट फुट से भी ले लीजिए, हर्ट हो गई। हीरोइन आपका काम कर रही है, वो कॉन्टिन्यूटी बता रही है कि उसने लेफ्ट फुट से मारा, डांट खा ली, पब्लिक देख रही है, बड़े शर्मिंदा हुए। हमने तो ऐसे नेगेटिव बताया कि दूसरा ऑप्शन भी मिल जाएगा, जो ठीक होगा लगा देंगे। और फिल्म पे शूट करते थे 20 दिन का शूट। जब बम्बई वापस आए, फिल्म प्रोसेस हुई, रशीद को देखा स्क्रीन के ऊपर, तो उसने राइट फुट से मारा था, लेफ्ट से नहीं। अब क्या करेंगे, अब तो वापस शिमला नहीं जा सकते रीशूट करने एक शॉट के लिए। तो हमारे एक और गेस्ट फैकल्टी आते थे, तीन चार गेस्ट फैकल्टी आते थे, बड़े बड़े लोग थे उस जमाने के, उनमें से एक का नाम था ऋषिकेश मुखर्जी। तो ऋषि ने हमें समझाया, कहने के डायरेक्टर ने चाहे बहुत से भी शॉट लिया, यूज योर ब्रेन टू यूज इट क्रिएटिवली। तो कॉन्टिन्यूटी का एक प्रिंसिपल ये भी है कि यू स्टार्ट द शॉट व्हेन द एक्शन स्टार्ट्स, यू कट द शॉट व्हेन द एक्शन स्टॉप्स, है ना। जब तक आप एक्शन नहीं बोलेंगे, एक्टर एक्टर नहीं, एक्शन नहीं करेंगे। आपने रोल कैमरा कह दिया लेकिन एक्टर खड़ा है, जब तक आप एक्शन नहीं कहेंगे एक्शन नहीं शुरू होगा, और जब तक एक्शन कम्प्लीट नहीं होगा आपका कट नहीं होगा। तो ये
ये चीज दिमाग में घूमी तो लॉन्ग शॉट में पैर उठाने से पहले आई कम टू द मीडियम शॉट राइट और उसने लेफ्ट फुट से मारा जो उसने मारा एक्चुअली तो लॉन्ग शॉट में राइट फुट से मारा था मैंने राइट लॉन्ग शॉट को कट ही कर दिया उस पॉइंट पे जहाँ पे वो पैर उठाने वाला था और लेफ्ट फुट से सारा एक्शन और जैसे ही एक्शन खत्म हुआ एक टू द लॉन्ग शॉट वो वॉक कर तो डायरेक्टर ने हमें डिसीजन दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू यूज द मीडियम क्लोज शॉट ऑफ द लेग्स मैं सारा एक्शन लॉन्ग शॉट में रखूँगा लेकिन जब इस तरीके से काटा शॉर्ट भी यूज हो गया था मीडियम शॉट यूज मैंने प्लान किया था लेकिन थोड़ा सा फर्क था मेरे और उनके थिंकिंग में उन्होंने जो प्लान किया था मूवमेंट ऑफ एक्शन राइट फुट में राइट फुट जो भी लॉन्ग शॉट में एक्शन है जब वो एक्शन होगा तो कट टू मीडियम शॉट तो एक्शन टू एक्शन कट करना है मैंने बस मेरे कट में क्या था कि एक्शन टू एक्शन कट नहीं था मतलब स्टैटिक कट लॉन्ग शॉट भी स्टैटिक और क्लोज शॉट भी स्टैटिक तो ये फर्क है बट आई यूज द शॉट try to use all the shots which the director has provided to you. NGs hote hain. NGs means no good. Lekin NGs ko bhi agar aap creatively use kar sakte hain, toh okay ho jata. Yes sir. Yeah. So any question about the floor plan? What is a machine? आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? नहीं सर मैं एक्चुअली बचपन से मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज जाने का शौक था तो एग्जाम में ये लिखोगे व्हाट इज अ मशीन आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? नहीं सर बचपन से शौक था इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ूं आज यहाँ बैठा हूँ बहुत मजा आ रहा ज्यादा मजा लेने की जरूरत नहीं है व्हाट इज अ मशीन आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं व्हाट इज अ मशीन आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं ज्यादा कुछ होने की जरूरत नहीं बोलो मशीन का डेफिनेशन बोलो कैन यू प्लीज एलैबोरेट ये मास्टर इन की तरह पूरा हो Your definition. What was the directional continuity of chalk? Right. Puri bataiye. From left to right. Left to right. Right. So, ab jab Aamir Khan ka shortcut karenge, chalk jo hai left to right. ट्रेवल करनी चाहिए शॉर्ट में टू हिट राइट दैट्स हाउ द डायरेक्शनल कंटिन्यूटी इज वेयर इज द डेफिनेशन बोलो एग्जाम में यही सब लिखोगे ये मशीन है अप डाउन अप डाउन इडियट एवरीडे इज प्लीज व्हाट इज अ मशीन आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? सर एक्चुअली सर आप व्हाट इज द मशीन के बीच में पॉज है तो उस पॉज में आप रिएक्शन डाल सकते हो किसी का भी पूरी क्लास का भी डाल सकते हो चतुर का डाल सकते हो मालफन का डाल सकते हो इवन ऑफ कोर्स आमिर का तो शॉर्ट है ही
What is a machine? आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? नहीं सर, एक्चुअली बचपन से इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना चाहता था, आज यहाँ बैठा हूँ सर, बहुत खुश हूँ सर। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, मशीन की डेफिनेशन बोल। सर, a machine is anything that reduces human effort, sir. Please elaborate. सर, हर वो चीज जो इंसान का काम आसान करे या बक बजाए वो मशीन है सर। गर्मी लगी, बटन दबाए, हवा चल, फैन, मशीन है सर। मीलों दूर आप अपने दोस्त के साथ बात कर सकते हैं, टेलीफोन, मशीन है सर। करोड़ों का हिसाब मशीन है सर। करोड़ों का हिसाब चुटकी में करता है, कैलकुलेटर, मशीन है सर। सर, एक्चुअली हम मशीनों से घिरे हुए हैं सर। पेन की निब से लेके पैन की जिप तक सर मशीन है सर। एक सेकंड बेटा। ये है डेफिनेशन। आई से व्हाट इज द डेफिनेशन? सर, वो ही तो बता रहा था सर। एग्जाम में ये लिखूं? ये मशीन है, अप डाउन अप डाउन। इडियट। एनीवन एल्स? More or less complex, consisting of a combination of moving parts or simple mechanical elements, as wheel, lever, cams, etc. लेकिन सर, मैंने भी तो वही बताया सर, आसान भाषा में। अगर आपको आसान भाषा चाहिए, तो आप आर्ट्स एंड कॉमर्स ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? लेकिन सर, मतलब भी तो समझ में आना चाहिए। ऐसे किताबी डेफिनेशन हटके क्या फायदा? तो आप किताब से ज्यादा जानते हैं। किताब में ये डेफिनेशन है और आप पास होना चाहते हैं तो यही लिखेंगे। इज इट क्लियर? लेकिन सर, और भी तो किताबें हैं जिसमें किताब ओ वाइस आसान भाषा में आप बाहर जाइए। आउट। इडियट। करोड़ों का हिसाब चुटकियां करते हैं, कैलकुलेटर से, मशीन है सर। एक्चुअली हम लोग मशीनों से घिरे हुए हैं सर। पेन की निब से लेके पेन की जिप तक सब मशीन है सर। एक सेकंड। ये मशीन है। करोड़ों का हिसाब चुटकियां करते हैं, कैलकुलेटर से, मशीन है सर। एक्चुअली हम लोग मशीनों से घिरे हुए हैं सर। पेन की निब से लेके पेन की जिप तक सब मशीन है सर। एक सेकंड। फेस पे लगी, सो चार टेक थे। इसका ये जरूरी नहीं है कि आप हर अर्लियर टेक नहीं यूज करते। अर्लियर टेक यूज करके अगर फिल्मी का डायलॉग, टेक टू का डायलॉग बेटर बोला इस पे, आप उसको यूज कर लीजिए। बीच में एक रिएक्शन डाल दीजिए, कम बैक टू दिस शॉट, टीचर का रिएक्शन डाल सकते हैं, कम बैक टू दिस शॉट उसमें। सॉरी, वो तो एक्शन टू एक्शन आप कट कर सकते हैं, किचन रखने का कट टू दिस। क्लियर कि नहीं? यस सर। एडिटिंग के प्रिंसिपल समझ में आ रहे हैं? फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं, घबराइए नहीं। सर, वही तो बता रहा था सर। एग्जाम में ये नहीं होंगे। सर, हर वो चीज जो हमारा वक्त बचाए या हमारे काम को आसान बनाए वो मशीन है। ये भी एक रिएक्शन है, आप ये भी डाल सकते हैं। लंबे लंबे है ना, करोड़ों का हिसाब यूं कर देता है, ये कैलकुलेटर मशीन है। हम मशीनों से घिरे हुए सर,
पेन की लिप से लेके पैंट की जिप तक सब मशीन। एक सेकंड में आप, एक सेकंड में आप। रैंचो इज बीइंग थ्रोन आउट ऑफ द क्लास। गेट अप। डायरेक्शन ऑफ लुक इसके मूवमेंट से मैच करते हैं। इंसान तो ये देखेंगे आप, ये मशीन है, अप डाउन अप डाउन। एनीबडी एल्स? यस सर, मशीन्स आर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज सो कनेक्टेड दैट देयर रिलेटिव मोशंस आर कंस्ट्रेंड एंड बाय व्हिच मींस फोर्स। एनीवन एल्स? यस सर, मशीन्स आर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज सो कनेक्टेड दैट देयर रिलेटिव मोशंस आर कंस्ट्रेंड एंड बाय व्हिच मींस फोर्स एंड मोशन मे बी ट्रांसमिटेड और modified as a screwness nut or lever arranged to turn about a pulley or a pulley about its pivot, etc. Especially a construction more or less complex, consisting of a combination of moving parts or simple mechanical elements as wheels, levers, cams, etc. Perfect. This is done. का फेस नहीं है बट ही रिपीट द सेम एक्शन जो उसने Machines are any combination of bodies so connected that their relative motions are constrained and by means of which force and motion may be transmitted and modified as a screw in its nut or a lever arranged to turn about a fulcrum or a pulley about its pivot, etc. Especially a construction more or less complex consisting of a combination of moving parts or simple mechanical elements as wheels, levers, cams, etc. Okay. Thank you. Lekin sir, maine bhi to wahi. Sir, machines se ghire hain sir. Pen ki grip se leke पैन की सिप तक सब मशीन है सर। एक सेकंड में आप, एक सेकंड में आप। ये डेफिनेशन है। I say what's the definition? सर वही तो बता रहा हूँ सर। एग्जाम में ये नहीं होगा। ये मशीन है। अप डाउन अप डाउन। इडियट। एनीबडी एल्स? सर, मशीन्स आर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी सो कनेक्टेड दैट देयर रिलेटिव मोशंस आर कंबाइंड, एस्पेशली सर आप मशीनों से घिरे हुए हैं सर। पेन की जिप से लेके पैंट की जिप तक सब मशीन है सर। एक सेकंड अप, एक सेकंड डाउन। ये डेफिनेशन है। आई से व्हाट्स द डेफिनेशन? सर वही तो बता रहा हूँ सर। एग्जाम में ये देखो, ये मशीन है। अप डाउन अप डाउन। इडियट। एनीबडी एल्स? So, any doubts about the continuity? So, floor plan के हिसाब से सबको आप बिठाएंगे और कैमरा एंगल्स के हिसाब से then you should and matching the looks right and left. Teacher is looking to the right, Amir is looking to the left. Similarly, Chatur का इस तरीके से. So आपके कटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्शनल कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी ऑफ लुक्स, एवरीथिंग, बट द फ्लोर प्लान इज वेरी इम्पोर्टेंट। इस कैमरा एंगल्स शुड बी करेक्टली मार्क्ड, या यहाँ से क्लोज होगा, इससे लॉन्ग होगा, जो भी आप स्क्रिप्ट लिखें अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू नो? ओके, अभी मैं आपको सिविल वॉर, सिविल वॉर, सिविल नहीं, सिविल वॉर का नंबर दो है, पहले वन देखते हैं। ये एक एडिटेड सीक्वेंस है, पॉज करिए।
ये एक एडिटेड सीक्वेंस है जो दो अलग अलग स्टूडेंट्स ने एडिट किया है. नाउ सेम ब्रश है लेकिन यू विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू और उसी पे आपका ओपिनियन बन जाएगा कि कौन सा बेटर है कौन सा नहीं. दिस इज वर्जन वन. Letting it go? Excuse me, counselor, but if I'm not mistaken, when an employee is late, the management has the right to legally terminate that employee, does it not? Yes, it does. Good. You're terminated. No, Nate. I'm not terminated. Trying to be cute? No, I'm just informing you that I'm making some personnel changes and you're the first. I beg your pardon? You know, with your design sense, you could do a lot with this place. Yeah. Are you people on LSD or something? Come on, get out of here. Eli, do you have Nate's check? Right here. What's this? Your sandwich today. How's it about an hour ago? I acquired Rembrandt's from Restaurant Partners Incorporated. Actually, we got a very good deal here. You distressed the asset for your net management. I'm supposed to leave that a waitress spot this place? With what, your tips? Oh, I can assure you. Audrey's got ample resources to buy things about whatever she wants. But, in case you're dubious, here's the bill of sale, the sign of the lease, and an application of statement for authority. You blew it, Nate. When you hired me back, I was willing to forgive and forget. But you couldn't take the high road, could you? You had to punish me. You had to hurt and humiliate me. That's why I bought this place, so I could fire you. You're fired, Nate. Take a check and go. In the film and drama, man, the manager jo hai, he has the upper hand. Aur last 10% mein, the lady has the upper hand. To wo jo 10% ka jo drama hai, wo second one mein zyada better hai, rather than first. Aur to first one mein background music bhi hai, sab kuch hai. Second one mein background music nahi hai, it is just dialogue. But the drama is much more in the second one than the first one. That's the reason the second one is appreciated more than the first one. So as an editor, aapko wo continuity ke principles wahi follow nahi karne hain. Aapko drama bhi dekhna hai ke scene mein drama kya hai, emotions kya hai, tension kya hai, whatever is the crux of the scene. Is it coming out or not with your cut? So, आप शूट करते हो एडिट करने में साथ कटेली साल भर लेते हैं. कट एंड रीकट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है. कभी यहाँ चेंजेस है, कभी यहाँ चेंजेस है, कभी इसको बढ़ाना है, कभी इसको घटाना है. तब जाके आपका सीन आपको लगता है कि यस अब जो हम चाह रहे हैं वो बात है. सो टेक योर टाइम. ऑफ कोर्स जो आपको सीन दिया है उसमें तो सारा डायलॉग जो है वो ड्रामा जो है डायलॉग टू डायलॉग ही है. तो वो जो कटेगा वो प्रैक्टिकली पहले वर्जन की वजह तरीके से कटेगा क्योंकि उसमें रिएक्शन ज़्यादा है ही नहीं जो आपको रश मिलेगा यहाँ से. बट आई थॉट के दैट्स अ सिंपल रश टू कट. अदरवाइज आई कुड हैव गिवन यू दिस इंग्लिश वर्जन आल्सो. इसका भी रश है मेरे पास बट आई थॉट के वो हिंदी का जो है पुरानी फिल्म का वो एक्चुअली ब्लैक एंड वाइट फिल्म नहीं, वो है कलर फिल्म. लेकिन जब हमने बॉम्बे में जाके उसे कॉपी किया तो हमारे पास कलर स्टॉक नहीं था, कलर फिल्म नहीं थी.
कलर नेगेटिव से ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट बना है. That's the reason it's a black and white brush. Actually, it's not a black and white brush. It's not a black and white thing. It's a color thing. और थ्री इडियट्स का रश मैं आपको दे नहीं सकता था क्योंकि राजू ने कहा है कि सर ये किसी को पास ऑन मत करिएगा, ये आपकी अपनी क्लास के लिए समझाने के लिए सर. ओके, मैं थ्री इडियट्स का भी रश दे सकता था, ऐसी बात नहीं. बट आई डोंट वॉन्ट टू लूज हिज ट्रस्ट. That was the reason. Otherwise, I would have... अच्छा फिर दूसरा राजू कहता है सर आप उनको थ्री इडियट्स का रश देंगे वो तो नेट पे जाके डीवीडी से कॉपी करके वैसे ही काट लेंगे जैसे मैंने काटा तो मत दीजिए. दैट वाज द जोक. लेकिन बेसिकली ही सेड कि सर इट्स फॉर योर टीचिंग दिस थिंग एंड सो ओके आई विल नॉट पास इट ऑन. So any questions, any doubts? No? You saw rushes of three idiots. You saw civil war के दो कट आपने देखे अलग अलग. तो अभी आपको समझ में आया कि कटिंग पॉइंट्स कितना फर्क डाल देते हैं स्टोरी के अंदर. एक आपको एक छोटा सा इंसिडेंट सुना था उनमें. एक बजे दो मिनट एक जैरन रेस करके कॉमेडियन थे अमेरिका में 50s में, बहुत बड़े कॉमेडियन थे. और वो नेजल और अमेरिकन यू नो एक्सटेंडेड सिलेबस में इंग्लिश बोला करते थे इस तरीके से. तो वो एडिटिंग रूम में आते थे और एडिटर जो है कट कर रहा होता था. नहीं आस्क हिज असिस्टेंट ओके गिव मी थ्री फ्रेम्स ऑफ द बिगनिंग ऑफ द शॉ और टू फ्रेम्स ऑफ द एंड ऑफ द शॉ. सो मिस्टर ड्यूस यूज टू टेल द एडिटर फिल्म रन्स एट 90 फीट पर मिनट इन द प्रोजेक्टर. सो इफ दीज टू फ्रेम्स आर नॉट देयर व्हाट डिफरेंस डज इट मेक. एंड द एडिटर ऑलवेज यूज टू लाफ इट आउट. मिस्टर ड्यूस यू विल अंडरस्टैंड इट लेटर. Although you should have understood it because you are an actor. But anyway, I'll tell you sometime later. Lekin unhone bataya. Then, Lewis became a director. Usne ek scene tha, Bellboy was the name of the film. He himself is playing the Bellboy and he is the director of the film. And there is a scene where Bellboy receives a call that his girlfriend has eloped with someone. So he says, what? And cut to Boeing taking off. So editor made a cut, what? And the Boeing took off. No. It's not working. It's coming up too late. I want what? And the Boeing taking off. So he recut the scene and showed it to Mr. Lewis. What? And the Boeing took off. So yeah, this is what I did. He says, Mr. Lewis, I just removed three frames on the end of the shot. Now three frames is not 1/8 of a second. It's 1/8 of a second. But that 1/8 of a second was creating that disturbance of time. He says, you are the director and you should know what timing is all about. I didn't tell you at that time, now I am telling you that it's the timing, which is very important in every cut. एक दफा मैं एक अपना प्राइवेटली भी कोर्स रन करता हूँ पूना में. तो उसमें हम एक दिन के लिए स्टूडेंट को बॉम्बे भी ले जाते हैं. तो राजू उस वक्त लगे वो एडिट कर रहे थे. तो राजू से मिलवाया तो राजू ने मुझे यही कहा कि बी रूथलेस विद योर मटीरियल, डोंट फॉल इन लव विद योर मटीरियल. काट दो, एक फ्रेम एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए आपका. और जिस वक्त MBBS बनाई उसमें तो मैं उसके साथ था उस दिन. सो वी हैड गॉन टू शिमारू टू नेगोशिएट द DVD राइट्स. तो कहने लगे कि डिलीटेड सीन्स कोई डिलीटेड सीन्स नहीं है. ऐसा कैसे डिलीटेड सीन्स नहीं? उसने कहा मैंने जो लिखा है वही शूट किया, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा सीन्स है नहीं.
So in MBBS there were no deleted scenes. The script was perfectly shot and cut. So, but you know, deleted scenes are part of the script. They are part of the script. They are not shot separately. But there is some reason to remove those scenes. And that reason could be in the scheme of things, they are not working. Flow kahin gadbad ho raha hai, ruk raha hai. कभी कभी गाना ही काट देना पड़ता है, पूरा गाना निकाल देना पड़ता है. इट्स देयर इन द डिस्क बट इट्स नॉट देयर इन द फिल्म. सो ये सब चीज़ें फाइन कट में देखनी पड़ती है. हाउ द फिल्म इज, उसका टेम्पो ठीक है, कोई सीन है आपको फास्ट चाहिए था वो बड़ा स्लो जा रहा है, तो कोई सीन स्लो चाहिए आपको, तो इसकी पेसिंग टेम्पो कम कर देती. सो एडिटिंग में मैं एडिटर की डेफिनेशन यही बता सकता हूँ कि एडिटर हैज़ टू हैव द थिंकिंग ऑफ स्क्रिप्ट राइटर, हैज़ टू हैव द विजन ऑफ द डायरेक्टर, आई ऑफ द कैमरामैन, ईयर ऑफ द साउंड रिकॉर्डर्स, और इन सब का मिला के उसके अंदर भी अपना कुछ होना चाहिए उस फिल्म को. दैट्स हाउ एन एडिटर वर्क्स. बेस्ट ऑफ एक्टर देता है, बेस्ट ऑफ साउंड देता है, बेस्ट ऑफ एवरीथिंग अपने कर सकते. एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स? सर बहुत से सर डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो FTI में एडिटिंग सीखते हैं, जैसे सर राजकुमार हिरानी सर, संजय लीला सर. सर वो लोग सर डायरेक्टर फिर कैसे बने? वो लोग डायरेक्टर कैसे बने? उन्होंने शुरू में एडिट किया, फिर प्रोमोस बनाने शुरू करे. राजकुमार हिरानी विद्युत विनोद चोपड़ा के लिए प्रोमोस कट करता था. संजय किसी डायरेक्टर के साथ असिस्टेंट थे. एंड देन जब आप असिस्टेंट काम करते हैं तो डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, डिस्ट्रीब्यूटर को सेट पे आते रहते हैं लोग. डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो होते ही, बट एक्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, उसे लोग, ये लोग भी सेट पे आते रहते हैं. और इन लोगों की भी निगाह पड़ती है सबके ऊपर कि कौन क्या कर रहा है. तो संजय जब विनोद का असिस्टेंट था तो उसने कुछ सजेशंस दिए उसे, जब स्टोरी 42 में, तो विनोद को बहुत अच्छे लगे. तो विनोद ने कहा कि जब स्टोरी 42 के सारे गाने तुम पिक्चराइज करोगे, आई विल बी देयर बट यू डू. सो संजय गॉट अ चांस टू शूट द सॉन्ग्स ऑफ लव स्टोरी 42. गॉट अ पिक, पीपल न्यू कि यस ही कैन डू इट. सिमिलरली राजू डॉक्यूमेंट्रीज बनाता था, डायरेक्ट करता था, इसलिए राजू को भी काम विनोद ने ही दिया MBBS में. इस तरीके से एडिटर्स बन जाते हैं डायरेक्टर्स, कैमरामैन बन जाते हैं डायरेक्टर्स. बट यू हैव टू प्रूव योर वर्थ. पहली चीज तो ये है कि आप एक्सप्लॉयटेशन के लिए तैयार हो जाइए. जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो लोग आपको एक्सप्लॉयट करेंगे, काम करवाएंगे, पैसा नहीं देंगे, ये सर सब आपको झेलना पड़ेगा. कुछ अच्छे प्रोड्यूसर मिल जाएंगे तो पैसा दे देंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज आपको ऐसा मिलेगा कि लगाई ज़्यादा पैसा कम या नहीं भी नहीं. और सर आपने अगर इंडस्ट्री में काम किया हो तो मालूम होगा, जब एडिटर पैसे मांगता है तो कहता है यार तुम मुझे मेंटल टॉर्चर से क्यों कर रहे हो, मेरे पास पैसे खत्म हो गए. एडिटर के टाइम पे हमेशा उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, एडिटर को कभी पूरे पैसे मिलते ही नहीं. अमिताभ शुक्ला ने क्रिश एडिट करी 3.5 लाख में. नेक्स्ट फिल्म राकेश रोशन ने उसे फिर दी तो उसने 4 लाख मांगी, राकेश रोशन ने नहीं दी. 50,000 के लिए उसने दूसरा एडिटर दे दिया, वो शायद 2 लाख नहीं कर रहा हूँ. तो ये कट्स फॉर कोऑपरेशन भी होता है. तो एक स्कूल ये सब आपको नहीं सिखा सकता, स्कूल आपको टेंशन नहीं दे सकता, क्योंकि स्कूल में आप अपनी पेस से काम करते हैं.
लेकिन जब बाहर जाते हैं तो डेडलाइंस की टेंशन होती है, आर्टिस्ट की टेंशन होती है, सब कुछ होता है, वो सब झेलना पड़ता है और वो सब संभालना पड़ता है।